आरसी 200 2020 का मॉडल है। ओके, बाइक किलोमीटर ड्रिवन इज सिर्फ और सिर्फ 10,000। ड्यूक 200 2019 का मॉडल है। ओके, गाड़ी चलाई सिर्फ 14,000 किलोमीटर। ये ड्यूक 250 2020 दिसंबर का मॉडल है। ओके, गाड़ी चलाई सिर्फ 5,500 किलोमीटर। ये KTM 390 एडवेंचर 2021 का मॉडल है। हाँ? गाड़ी सिर्फ चलाई 5,500 किलोमीटर। R15 V3 2019 का मॉडल है। ओके, गाड़ी चलाई 18,000 किलोमीटर। ये R15 V3 2021 का मॉडल, रेड कलर है। हाँ? ये गाड़ी चलाई सिर्फ 2600 किलोमीटर। तो गाइज, बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे भाई R15 कलेक्शन या KTM कलेक्शन दिखाओ। तो आज हम लोग आए हुए हैं बबलू बाइक शॉप, जो कि लोकेटेड है थाने में। और यहाँ पे आज तो बहुत सारी बाइक्स है, वैसे देखने गए तो इनके पास सेगमेंट बहुत सारी स्पोर्ट्स में है, और जो कि 8 लाख 9 लाख के ऊपर चली जाती है। पर आज जो हम लोग स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स लोगों ने कमेंट्स किए थे, KTM कलेक्शन, तो KTM का यहाँ पे देख सकते हो KTM है। साथ ही साथ R1 कलेक्शन, जो कि ऑपोजिट्स में रखे हुए, आपको R15 के कलेक्शन भी देखने मिलने वाले। तो सब सेगमेंट देखने मिलने वाले एक ही जगह पे, जो कि है बबलू बाइक शॉप, जो कि है लोकेटेड थाने में। तो गाइस, मेरा नाम है ललित बाबरिया और आप देख रहे हो माय न्यू लाइफस्टाइल शॉर्ट्स। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। तो गाइस, हमारे साथ है नदीम सर। तो नदीम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि ये फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो यहाँ पे, तो ये लोकेशन है जो, वो पूरी तरह से आप बता सकते हो क्या लोकेशन है ये लोकेशन एक्चुअली चेन्नई है। हाँ? इसका लैंडमार्क है मखमली तालाब। ओके, अदरवाइज अगर आपको ये भी लैंडमार्क नहीं मिला तो यहाँ पर बोल सकते हो तीन हाथ नाका, काफी फेमस एरिया अपने थाने का। ओके, तो अगर तीन हाथ नाका भी नहीं समझा तो सीधा सीधा गूगल पे जाइए और लोकेशन पे डाल दीजिए बबलू बाइक शॉप, डायरेक्टली आपको गूगल पे उसका मैप के साथ आ जाएगा। फिलहाल तो हम लोग अभी यहाँ पे KTM का कलेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है KTM का कलेक्शन, तो फर्स्ट ले लेते हैं RC। तो ये क्या है डिटेल्स इसके? RC 200 2020 का मॉडल है। ओके, बाइक किलोमीटर ड्रिवन इज सिर्फ और सिर्फ 10,000। 10,000? हाँ, 10,000 चली हुई है सिर्फ? सिर्फ 10,000 किलोमीटर चला है। ओके, तो इसका ऑफर, ये गाड़ी आपको आ जाएगा 1,85,000 में। 1,85,000 में लोन फैसिलिटी की बात करने जाए तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ। ओके, लो डाउन पेमेंट पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जाते हैं यहाँ पे ड्यूक 200। ड्यूक 200 2019 का मॉडल है। ओके, गाड़ी चलाई सिर्फ 14,000 किलोमीटर। ओके, ये आपको आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 में आ जाएगा। उसके साथ साथ बता दूं, यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है नकल्स गार्ड, साथ ही साथ यहाँ पे विंडशील्ड एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, साथ ही साथ इंजन गार्ड भी यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको इंजन गार्ड भी देखने मिलता है, और मोबाइल माउंट भी था मेरे ख्याल से, वो निकल गया है, मोबाइल माउंट भी था। ये 1,35,000 में आ जाएगा। 1,35,000 में 2019 का मॉडल मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एक्सेसरीज भी अच्छे खासे लगे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं, ये वाला डिटेल्स। ये ड्यूक 250 2020 दिसंबर का मॉडल है। ओके, गाड़ी चला है सिर्फ 5,500 किलोमीटर। ओके, ये आपको आ जाएगा 1,75,000 में। 1,75,000 में ये आ जाएगा। और इस पे मान सम्मान होगा? सम्मान हो जाएगा अपना। ओके, मान सम्मान हो जाएगा। और आप यहाँ पे विजिट करते हो तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लाने, वो भी बता दीजिए। आधार कार्ड पैन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल और अगर आप रेंट पे रहते हो तो एक रेंट एग्रीमेंट आपका चाहिए। ओके, तो जैसे कि लोन की बात हो गई, अभी यहाँ पे जाते 390 के इसमें, तो 390 का डिटेल्स। ये KTM ड्यूक 390, ये आपको आ जाएगा 1,85,000 में 1,85,000 में आपको आ जाएगा। ये 2019 का मॉडल। ओके, 2019 का मॉडल आपको 1,85,000 में आ जाएगा 390। अगर कोई 390 का दीवाना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एडवेंचर की, जो कि एडवेंचर बाइक्स में अगर कोई जाता है तो एडवेंचर में यहाँ पे एक अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक देखने मिलने वाला है, जो कि ग्राफिक ही मेरे ख्याल से 12-15,000 के ऊपर ही रहेगा ये ग्राफिक लगाया हुआ। इसका डिटेल्स क्या है? ये KTM 390 एडवेंचर 2021 का मॉडल है। हाँ? गाड़ी सिर्फ चला है 5,500 किलोमीटर। ओके, एग्जॉस्ट भी इसमें लगा है। हाँ? ये आपको आ जाएगा 3,35,000 में। 3,35,000 में? हाँ, 3,35,000 में आने वाला है। जैसे कि मैं पूरा बताया आपको, ग्राफिक के साथ साथ यहाँ पे विंडशील्ड भी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारे छोटे मोटे एक्सेसरीज है, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही कूल लुक देने वाला है जो आपकी गाड़ी है उसको। और ये 3,35,000 में आ जाएगा। 3,35,000 बोला है, उसके अंदर भी लोन फैसिलिटी हो जाएगी। और अभी डायरेक्ट जाते हैं हम लोग R1 कलेक्शन देखते हैं, R1 में क्या क्या अवेलेबल है वो भी देखते हैं। तो अभी R1 की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ये है, जो इसका डिटेल्स।
R15 V3 2019 का मॉडल है। okay. गाड़ी चला है 18,000 किलोमीटर। ये गाड़ी आपको आ जाएगा 1,20,000 में, 1,20,000 में, जिसके अंदर आपको विंडशील्ड भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, और गार्ड, लेग गार्ड भी लगा हुआ है, गार्ड भी लगा है। ओके, मिरर भी एक्स्ट्रा लगा है। ओके, मिरर भी एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, जो कि आपको यहाँ LED मिरर दिखने वाला है, जहाँ पे आपको LED लगी हुई मिलने वाली है। इसका जो प्राइस रखा है 1,20,000। और इसके बाद जाते हैं ये सेकंड ऑप्शन पे, इसका क्या है? R15 VT 2020 का मॉडल है। ओके, ये गाड़ी चला है 10,000 किलोमीटर। ये गाड़ी आपको आ जाएगा 1,35,000 में, 1,35,000 में, और इसमें मान सम्मान हो जाएगा अपना। ओके, इसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये R15 V3 2021 का मॉडल, रेड कलर है। हाँ, ये गाड़ी चला है सिर्फ 2600 किलोमीटर। हाँ, ये आपको आ जाएगा 1,55,000 में, 1,55,000 में। चलो, 1,55,000 में आपको जा रहा है यहाँ पे, जो कि है R15 V3, जो कि आप बहुत से कमेंट डाल रहे थे V3 का ऑप्शन दिखाइए। यहाँ पे 1, 2, 3 और भी है, 4, बहुत सारे यहाँ पे देखने मिलने वाले। अभी हम लोग इनसाइड का ऑप्शन दिखाते हैं, इनसाइड में क्या क्या गाड़ी है, खाली मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ, बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। तो जैसे कि मैं इनसाइड की बात किया, तो अगर आप BMW के दीवाने हो तो यहाँ पे आपको BMW के बहुत सारी गाड़ियाँ देखने मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको GS 310 मिलने वाली है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलने वाला है G310 का, जो कि आपको 3 कलर में मिलने वाली है, ब्लैक कलर लीजिए, व्हाइट कलर लीजिए या ब्लू कलर लीजिए, ये सब ऑप्शन मिलने वाला है आपको अगर यहाँ पे आप विजिट करते हो तो। इसका डिटेल्स जो मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। साथ ही साथ Z900 है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो R1250 है, आपको GS मिलने वाला है, जो कि BMW का सबसे बेस्ट बाइक बोला जाएगा। आज का इसका न्यू का रेट चल रहा है 31 लाख रुपीज के आसपास, और एक्सेसरीज जो लगी है वो 4 लाख के आसपास, 35 लाख के आसपास ये गाड़ी जाती है। पर ये गाड़ी आपको सिर्फ यहाँ पे जाने वाली है, मैं आपको ये वीडियो में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, एक अंदाजा 22 लाख के आसपास ही आपको मिलने वाली है, जो कि एकदम 2020 का 21 का मॉडल है, जो कि आपको पूरे मार्केट में ये प्राइस कोई देने वाला नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो भी देखने मिलने वाले हैं, आप एक बार विजिट कीजिए, तो विजिट करने के बाद आपको सब ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो गाइस, इसके साथ साथ बता दूं कि ये जो शॉर्ट चैनल है, इसके साथ साथ हमारा एक मराठी चैनल भी है, जिसके अंदर हम लोग अच्छे से वीडियो मराठी में एक्सप्लेन करते हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। और फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।